लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचले में निकला भव्य बौद्ध धम्म मेला का जुलूस। नौयुवकों ने निकाली झांकियां, दिखाए करतब। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचले क्षेत्र के ग्राम पैदौली में हर वर्ष कार्तिक माह में बुद्ध पूर्णिमा नामक मेले का आयोजन होता है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संपूर्ण दुनिया को शांति सद्भाव का पाठ पढ़ाने वाले भगवान बौद्ध के विचारों को बताया जाता है। क्षेत्र के तमाम विद्वानों की जुटान होती है और समाज के सबसे अंतिम और पिछड़े इस समाज को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिसके क्रम में आज ही उक्त बैदौली बौद्ध मेले का आयोजन हुआ और मेला लगा, जिसमें जहां उम्र की हर पड़ाव के लोग हर समाज से मेले का लुत्फ लेने पहुंचे थे और विद्वानों के विचारों को सुना तथा समाज के अंतिम व्यक्ति दलित अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में दिए गए अधिकारों आरक्षणों आदि के बारे में बताते हुए स्वर्ण समाज द्वारा आरक्षण के विरोध पर भी चर्चाएं हुई और अधिकारों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में निचले परिषद के तमाम बौद्धिस्ट व आम जन उपलब्ध रहे। आरक्षण जिन्हें दिया जाए, भारतीय संविधान में वर्णित है कि आरक्षण उसी को दिया जाए जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो। तो सामाजिक दृष्टि और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो है, जो आज के डेट में वर्ग बने हुए हैं, समान जात, पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, तो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जात और अनुसूचित जाति में ऐसे 80-90% जो लोग हैं वो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और उनके साथ छुआछूत भेद, ऊँच नीच, छुआछूत का भेदभाव है। इन्हें उनका जब तक छुआछूत ऊँच नीच का भेद समाप्त नहीं हो जाता तब तक उनको आरक्षण बरकरार रहना चाहिए और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ है। किसको मिलना चाहिए? जो शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक, अगर उन उसमें भी शैक्षणिक दृष्टि से वो मांग कर रहे हैं समाप्त मिलना चाहिए उनको, मिलना कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि पिछड़े अगर हैं तो उनको भी आरक्षित किया जाना चाहिए। अगर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नहीं है और शैक्षणिक दृष्टि पीछे नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि जो पिछड़े हैं उन्हीं के लिए भारतीय संविधान अनुमति देती है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो शैक्षणिक दृष्टि से हमारे ओबीसी में 99% पिछड़े हैं, अनुसूचित जनजाति में भी ऐसे ही, अनुसूचित जाति में भी 90% लोग पिछड़े हैं। तो जब तक उनको शैक्षणिक दृष्टि से बराबरी नहीं आ जाती है और सामाजिक दृष्टि से उनको बराबरी दर्जा समाज में नहीं मिल जाता तब तक आरक्षण बरकरार रहना चाहिए और भारतीय संविधान इसको अनुमति देती है। मिलना चाहिए, लेकिन वो शैक्षणिक समाज पिछड़े हैं तब। जनपद महाराजों से मोहम्मद आलम बैरनाथ का फोन रिपोर्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।